सीमा विवादर समाधान चाहूनी साम्राज्यवादी चीन। विवाद कमाइबा बदलरे बढ़ाइबाकु उद्यम। भारतर सकारात्मक प्रस्ताव को खारज करी पुणी बढ़ाइला विवाद। विफल हेला 13तम उच्च कमांडर स्तरीय बैठक। बाहरी पारिलानी पूर्व लद्दाख सीमा को नहीं रही समस्या समाधान सूत्र। शेषको विफल हेला भारत चीन 13तम कमांडर स्तरीय बैठक। पूर्व 12 थर एहीपरी बैठक हो सारीले विस्तारवादी चीन रो जीत जोगु सीमा विवाद रे सृष्टि होतिबा समस्या रो स्थायी समाधान होई पारुनी। किछि दिन हेबो नजर रहितिला 13तम उच्च कमांडर स्तरीय बैठक उपरे। मात्र हताश करिछि चाइनीज आर्मी रो मनोवृत्ति। दुई देशर कमांडर स्तरीय बैठक रो विफलता संपर्क रे सूचना दैछंती इंडियन आर्मी। लद्दाख सीमा रे थिबा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बा एलएसी निकट रे विभिन्न समय रे सृष्टि होछि विवाद ओ संघर्ष। यार स्थायी समाधान पई भारतीय सेना रो कमांडर को तरफरु अनेक सकारात्मक प्रस्ताव दिया जाइथिला। मात्र से सबको ग्रहण करिनथिला चीन रो सेना बा आलोचना रे भाग नैथिबा कमांडर। केवल सेतिकि नुहे निज आडु मध्य कोनोसी सकारात्मक प्रस्ताव रखिनी चीन। फळरे विफलतार सह शेष होइछि 13तम उच्च कमांडर स्तरीय बैठक। एलएसी निकट रे चीन सीमा रे थिबा मोल्डो नामक स्थान रे अक्टोबर 10 तारिख रे अनुष्ठित होइथिला एही बैठक। लद्दाख सीमा रे थिबा केतक स्थान बा पॉइंट को नै जुलाई मास रे अनुष्ठित होइतिबा द्विपाक्षिक बैठक रे समाधान रो सूत्र बाहरिथिला। द्विपक्ष सेही परि समाधान सूत्र को सम्मान देबा को सहमत होइतिले मध्य चीन बारंबार राजीनामा को उल्लंघन करि आसुछि जहा फल रे अनेक समय रे सृष्टि होइछि विवाद। तेबे मुख्यतः ईस्टर्न बा पूर्व लद्दाख को नै रहितिबा किछि विवाद ए जाय समाधान होइ परिनि। 13तम बैठक रे यार समाधान उपरे गुरुत्व दिया जाइथिला। सीमा विवाद को नहीं पूर्वर होइतिबा राजीनामा को चीन प्रथमे सम्मान देउ एवं स्टेटस क्यू बजाय रखु बोली दाबी करिथिला भारत। मात्र एहाकु एडाई जाइथिला चीन। यहाँ सहित भारत तरफ जो सब प्रस्ताव दि जाइथिला ताकु मध्य ग्रहण करिनथिला। भारत देइथिबा प्रस्ताव को अवास्तव बोली कहि चीन ग्रहण करिनथिबार जणा पडिछि जहाँ बैठक विफलतार कारण। आग को पुणी आलोचना जारी रहिबो बोली राजी होइछन्ति उभय भारत एवं चीन। तेबे चीन रो आभिमुख्य को नै प्रश्न उठाइछंती भारतीय सुरक्षा विशेषज्ञ। देखिए ये बहुत सालों से ये जब भी ये पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट भारत और चीन के साथ हुई थी तो बहुत साफ था कि दोनों चाहिए क्या क्या कर सकती है। अभी इसको बार बार चीन वायलेट करती जाती है, उसके बाद क्या करते हैं वो 10 कदम आगे बढ़ते हैं और जब भारत के साथ बातचीत होती है वो 5 कदम पीछे हट जाते हैं और एक नया स्टेटस को आ जाता है। तो पिछले 5-6 सालों से भारत ने कहा है कि इस प्रकार की हरकत नहीं चलेगी, अगर आप आगे आए हो तो जितना आगे आए हो उतना ही आपको पीछे जाना पड़ेगा। चीन जो बारंबार विफल होती द्विपाक्षिक आलोचना आगो को कौन पदक्षेप निया जीव से बाबत चिंता करुछी भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।